हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही फेमस साइंस फिक्शन सीरीज शुरू कर रही हूँ, एचजी वेल्स की द इनविजिबल मैन। मैं सोनिया अडवाणी और आप हैं मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग पर। ये बुक 1897 में पब्लिश हुई और जल्द ही नॉवल का एंटी हीरो यानी द इनविजिबल मैन दुनिया भर के रीडर्स में पॉपुलर हो गया। अनेकों कंट्रीज में स्कूल और कॉलेजेस के करिकुलम में इस नॉवल को शामिल किया गया है। बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है, मज़ा आएगा। आज के वीडियो में मैं इस नॉवल के मेन कैरेक्टर्स से आपका परिचय करवाऊंगी और इसके पहले 3 चैप्टर्स की समरी बताऊंगी और इसी तरह सीरीज की बाकी वीडियोस अपलोड करूंगी जिनमें मैं 3-3, 4-4 चैप्टर्स कवर करूंगी। चैनल पर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जिसका शीर्षक है द स्ट्रेंज मैन्स अराइवल। कहानी की सेटिंग इंग्लैंड के आइपिंग शहर और उसके आसपास की जगहों की है। ये कहानी एक होनहार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की है जिसने एक ऐसा फॉर्मूला इन्वेंट कर लिया है जिससे गायब हो सकते हैं, पर उसने एक बहुत बड़ी भूल कर ली। बिना इसका रिवर्स फॉर्मूला इन्वेंट किए वो फॉर्मूला उसने खुद पे यूज कर लिया। अब जब उसे काफी दिक्कतें होने लगी तो वो लंदन से आइपिंग आ गया, क्योंकि उसे अब इसका रिवर्स फॉर्मूला जल्द से जल्द खोजना था और इसके लिए उसे एक शांत छोटे शहर की तलाश थी। आइपिंग एक ऐसा ही शहर था। आइए जानते हैं शुरू से उसके साथ क्या क्या गुजरा। तो आइए स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स से आपका परिचय करवा देती हूँ। सबसे पहला और मेन कैरेक्टर है द इनविजिबल मैन। ये इस नॉवल का एंटी हीरो है। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मेडिकल स्टूडेंट था, पर इसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी बल्कि अपने रिसर्च में लग गया। इसका नाम था ग्रिफिन। रिसर्च करते करते ग्रिफिन ने इनविजिबल होने का तरीका खोज लिया, पर उसने अपनी इतनी बड़ी रिसर्च पब्लिश नहीं करी बल्कि इसे यूज करके, या कहिए मिस यूज करके, सबसे ताकतवर बनने की सोची। ये हिंसक था और इसमें दया नाम की कोई चीज नहीं थी। दूसरा कैरेक्टर है मिसेस हॉल, जो आइपिंग में रहती है और कोचिन हॉर्सेस इन नामक एक होटल चलाती है अपने पति के साथ मिलकर। ये एक सभ्य और अच्छी औरत है। ये ग्रिफिन के अटपटे व्यवहार को पैसों के लालच में नजरअंदाज कर देती है। तीसरा कैरेक्टर है थॉमस मार्वल। ये एक बेघर आदमी है जो ससेक्स में रहता है। ग्रिफिन इसके साथ गठजोड़ करता है और ये भी उसकी इनविजिबिलिटी की पावर से अचंभित होकर बिना परिणामों की चिंता किए ग्रिफिन का साथ देता है। आगे ये ग्रिफिन की नोटबुक्स और उसके पैसे चुरा लेता है, जिसके बदले वो ग्रिफिन से मरते मरते बचता है। चौथा कैरेक्टर है डॉक्टर कैंप। डॉक्टर कैंप एक डॉक्टर है जो पोर्ट बर्डॉक में रहता है। ये एक तर्कसंगत इंसान है। ग्रिफिन के साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ता था। ग्रिफिन इसे सब कुछ बताता है और आशा करता है कि ये भी आतंक फैलाने में उसकी मदद करेगा, पर असल में डॉक्टर कैंप इस चीज के खिलाफ था। अगला कैरेक्टर है मिस्टर विकस्टीड। इसकी ग्रिफिन द्वारा हत्या हो जाती है। और भी कई कैरेक्टर्स हैं जिनसे कहानी के दौरान आपका परिचय हो जाएगा। अब चैप्टर 1, द स्ट्रेंज मैन्स अराइवल। एक अजनबी जो कि ग्रिफिन है, फरवरी के एक सर्द दिन ब्रैम्बलहर्स्ट स्टेशन पहुंचता है। वो पूरी तरह से कपड़ों से ढका हुआ है, बस उसके नाक की नोक दिखाई दे रही है। वो कोच एंड हॉर्सेस इन होटल में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात मिसेस हॉल से होती है। अपना बैग नीचे रखते हुए वो बोला कि उसे एक रूम और आग चाहिए। उसने टेबल पर 2 सोने के सिक्के रख दिए, फिर अपने ऊपर से बर्फ झाड़ी और मिसेस हॉल के पीछे चल पड़ा। मिसेस हॉल उसे एक रूम में ले गई और फायरप्लेस में फायर जला दी। वो बहुत खुश थी क्योंकि ऐसी सर्दियों में मुश्किल से ही कोई विजिटर आता था। वो प्लेट्स और ग्लासेस लेकर जब लौटती है तो ये देखकर चौंक जाती है कि ग्रिफिन ने अभी तक अपने सारे कपड़े पहने हुए थे, जबकि आग काफी तेज हो चुकी थी। वो खिड़की से बाहर गिरती हुई बर्फ देख रहा था। मिसेस हॉल ने उससे पूछा कि क्या वो उसका कोट और हैट लेकर किचन में सुखा दे। ग्रिफिन ने मना कर दिया। फिर वो जाकर उसके लिए खाना लेकर आई। ग्रिफिन अब भी वहीं खड़ा था। वो खाना रखकर चली गई।
लौटकर वो देखती है कि उसके यहाँ काम करने वाली मिली अभी भी ग्रिफिन के लंच का मस्टर्ड मिक्स कर रही है। मिसेस हॉल उसे डांटती है और वो फिर से मस्टर्ड पॉट रखने ग्रिफिन के कमरे में लौटती है। उन्हें आता हुआ देखकर ग्रिफिन जल्दी से वहां से हिला और मिसेस हॉल को हल्की सी झलक किसी सफेद चीज की टेबल के पीछे गायब होती हुई दिखी और उसने चेयर पर ओवरकोट और हैट रखा हुआ पाया। वो उनके पास गई और बोली, अब इन्हें सुखा देना चाहिए। तभी ग्रिफिन की आवाज आई कि हैट मत ले जाना। मिसेस हॉल ने उसकी तरफ देखा और वो चौंक गई। उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था, सिवाय नाक की नोक के कुछ नहीं दिख रहा था। पट्टियों बंधा चेहरा और इतने भारी कपड़े उसे बहुत ही अजीब बना रहे थे। मिसेस हॉल ने हैट वहीं छोड़ दिया और वो बोली, मैं ये कपड़े अच्छे से सुखा दूंगी। फिर वो चली गई। जाते वक्त उसने ग्रिफिन के पूरी तरह से सफेद पट्टियों से ढके हुए सिर और नीले चश्मे को देखा। फिर ग्रिफिन ने खाना खाया। मिसेस हॉल ने सोचा कि बेचारे का या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है या तो कोई ऑपरेशन। वो सोचती है कि ये आदमी कितना अजीब दिख रहा था। फिर जब वो प्लेट लेने वापस रूम में लौटती है तब ग्रिफिन का मूड पहले से थोड़ा बेटर था। वो उससे कहता है कि ब्रैम्बलहर्स्ट स्टेशन में उसका कुछ सामान रह गया है जो वो मंगवाना चाहता है। मिसेस हॉल कहती है कि कल ला सकता है। इस पर ग्रिफिन पूछता है, जल्दी मंगवाने का कोई रास्ता है क्या? तो मिसेस हॉल मना कर देती है। मिसेस हॉल उससे बातचीत करने की कोशिश करती है और उसे अपने भांजे का एक किस्सा बताती है, जब उसने एक दराती से खुद को चोट लगा ली थी और ऑपरेशन से डरता था वो। ग्रिफिन हंसता है पर दिल से नहीं। मिसेस हॉल अपने भांजे की पट्टियों के बारे में बता रही थी ताकि वो आगे ग्रिफिन से उसकी पट्टियों के बारे में पूछ सके, पर ग्रिफिन ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा कि क्या उसे दिया सलाई मिल सकती है। मिसेस हॉल को ये व्यवहार बड़ा ही रूखा लगा, पर फिर उसे वो दो सोने के सिक्के याद आए और वो दिया सलाई ले आई। ग्रिफिन ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर से खिड़की के बाहर घूरने लगा। मिसेस हॉल को आगे बात चलाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। वहां से जाने के बाद मिसेस हॉल को ग्रिफिन के कमरे से खुद से बात करने की आवाजें और तेज चलने की आवाजें सुनाई दी। फिर आराम कुर्सी की आवाज आई, जैसे कि वो इस पर बैठ गया हो। अब चैप्टर 2, मिस्टर टेडी हेनफ्रेज फर्स्ट इम्प्रेशन। इस चैप्टर की स्टोरी मिस्टर टेडी हेनफ्रे के इनविजिबल मैन से मुलाकात के बारे में है और उन्हीं के व्यू पॉइंट से है। शाम के 4 ही बजे थे पर बाहर काफी अंधेरा हो चुका था। मिसेस हॉल अपने गेस्ट को चाय के लिए पूछने की हिम्मत जुटा ही रही थी तभी घड़ी साज टेडी हेनफ्रे वहां आ गया। वो मिसेस हॉल से बोला कि इतने पतले बूट इतने खराब मौसम के लिए सही नहीं है। बाहर तेज बर्फबारी हो रही थी। मिसेस हॉल ने हामी भरते हुए देखा कि उसके पास उसका बैग भी था, तो वो बोली कि अगर यहाँ आ ही गए हो तो पार्लर वाली घड़ी को जरा देख लो, बाकी तो ठीक है, बस घंटे वाली सुई 6 पर ही अटकी हुई है। फिर मिस्टर टेडी को अपने पीछे पीछे ग्रिफिन के कमरे तक ले गई और खटखटा कर अंदर दाखिल हो गई। ग्रिफिन आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था आग के सामने, शायद उसे झपकी आ गई थी। उसका पट्टियों बंधा सिर एक तरफ झुका हुआ था। जो एकमात्र रोशनी कमरे में आ रही थी वो आग से आती हुई लाल आभा थी जो ग्रिफिन की आंखों को रेल के लाल लाइट के सिग्नल जैसी चमका रही थी। पर उसका झुका हुआ चेहरा तो भी अंधेरे में ही था। सब कुछ लालिमा और अंधेरे से भरा हुआ था। मिसेस हॉल को धुंधला लग रहा था सब कुछ, क्योंकि उन्होंने अभी अभी बार की लैंप जलाई थी जिससे उनकी आंखें चुंधियाई हुई थी। पर क्षण भर के लिए उन्हें ऐसा लगा कि जिस आदमी को उन्होंने देखा है उसका मुंह काफी बड़ा और खुला हुआ है, इतना बड़ा कि चेहरे का निचला हिस्सा पूरा ही मुंह में समाया हुआ है। ये दृश्य हालांकि क्षणिक था। पट्टियों बंधा सिर, राक्षसी आंखें जिन पर गॉगल्स चढ़े हैं और उसके नीचे की बड़ी सी जम्हाई। ग्रिफिन हिला और जैसे चौंक कर जगा और मिसेस हॉल ने रोशनी करने के लिए दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। अब वो ग्रिफिन को बेहतर तरीके से देख पा रही थी। मुंह पर मफलर चढ़ाया हुआ था,
ठीक वैसे ही जैसे पहले नैपकिन से मुंह को ढका हुआ था उसने। मिसेस हॉल अपने क्षणिक भय से उभरते हुए ग्रिफिन से पूछती है कि क्या ये आदमी इस घड़ी को ठीक कर सकता है। ग्रिफिन परिस्थिति को भांपते हुए हाँ कह देता है। फिर मिस्टर टेडी हेनफ्रे ग्रिफिन को विश करते हुए पूछता है कि उसे आशा है कि ग्रिफिन को ये दखलंदाजी नहीं लग रही होगी। ग्रिफिन मना तो करता है पर साथ ही कहता है कि मेरे ख्याल से ये कमरा सिर्फ मेरे इस्तेमाल के लिए ही है और मैं नहीं चाहता कि मुझे डिस्टर्ब किया जाए। वो कहता है कि वो अकेले रहना चाहता है। फिर वो मिस्टर टेडी की हिचक देखते हुए कहता है, पर मैं खुश हूं कि ये घड़ी ठीक हो जाएगी। टेडी हेनफ्रे आश्वस्त होता है। फिर मिसेस हॉल बिना कोई बात किए जाने लगती है। तभी ग्रिफिन उससे अपने सामान के बारे में पूछता है जो ब्रैम्बलहर्स्ट से आने वाले थे। मिसेस हॉल उसे बताती है कि वो कल आ जाएंगे। ग्रिफिन फिर जल्दबाजी दिखाता है। फिर वो बताता है कि वो एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर है और उसके बैग में उसके एक्सपेरिमेंट्स के सारे साजो सामान हैं। मिसेस हॉल इम्प्रेस होते हुए कहती है, बहुत काम की चीजें हैं। फिर ग्रिफिन आगे बोलता है कि आइपिंग आने का मेरा कारण ही एकांत की तलाश था और साथ ही एक दुर्घटना के बाद आराम की भी जरूरत थी। मेरी आंखें कई बार इतनी कमजोर हो जाती हैं और इतना दर्द करती हैं कि मुझे घंटों अंधेरे में बैठे रहना पड़ता है और उस वक्त जरा सी भी डिस्टर्बेंस मुझे क्रोधित कर देती है। बेहतर होगा कि ये बातें आप समझ जाएं। मिसेस हॉल हामी भरती है। वो कुछ और पूछना चाहती तो थी पर ग्रिफिन बात वहीं खत्म कर देता है। फिर वो चली जाती है। अब कमरे में बस ग्रिफिन और मिस्टर टेडी हेनफ्रे ही थे। ग्रिफिन से बात करने के उद्देश्य से टेडी जानबूझकर काम धीरे कर रहा था, जो कि ग्रिफिन भाप गया और जैसे ही टेडी ने बात चलाने की कोशिश करी, ग्रिफिन ने बात को काटते हुए कहा, तुम अपना काम जल्दी से खत्म करके निकलो, समय बर्बाद मत करो। टेडी ने हाँ कहा और झट से अपना काम खत्म किया। वो निकल तो गया पर काफी चिढ़ गया था ग्रिफिन से। फिर ग्रिफिन पर अपनी खीज निकालते हुए वो आगे बढ़ा। रास्ते में उसे मिस्टर हॉल मिल गए। टेडी ने मिस्टर हॉल को पूरा ब्योरा दे दिया उस खड़ूस अजनबी का और हॉल को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करी। हॉल से ग्रिफिन की शिकायत करके उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। मिस्टर हॉल ने उससे कहा कि वो अभी जाकर देखता है, पर मिसेस हॉल ने मिस्टर हॉल को सही सही कुछ भी नहीं बताया। जब मिस्टर हॉल ने अपनी पत्नी को अगले दिन गेस्ट का लगेज चेक करने को कहा तो वो बोली कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे अपना काम करने दो। वो अपने पति पर खींच खा रही थी क्योंकि उसके सवालों का उसके खुद के पास कोई जवाब नहीं था। उसे खुद ग्रिफिन बहुत अजीब लगा था। आधी रात डरावने सपने से उसकी आंखें खुल गई। सपने में काली आंखों वाले सफेद सिर उसका पीछा कर रहे थे, पर वो अपने भय को काबू करके करवट बदलकर फिर से सोने की कोशिश करती है। अब चैप्टर 3, द 1001 बॉटल्स। 29 फरवरी का दिन था। बढ़ते तापमान के कारण बर्फ पिघलने लगी थी और ऐसे में ये आदमी आइपिंग में आ टपका था। अगले दिन उसका सामान भी आ गया। बड़ा ही अनूठा सामान था। सामान में कुछ ट्रंक्स, बक्से, मोटी मोटी किताबें जिन पर ऐसी राइटिंग जो कि समझ ना आ सके में कुछ लिखा हुआ था। कई सारे क्रेट और खोलियां थी जिनमें काफी चीजें थी जो कि पुआल से पैक की गई थी। मिस्टर हॉल ने देखा कि वो कांच की शीशियां थी। सामान लाने वाले कार्ट का ड्राइवर फियरनसाइड और मिस्टर हॉल बातें कर ही रहे थे तभी ग्रिफिन अंदर से जल्दी से बाहर आया। वो अपना कुछ सामान उठाने ही वाला था तभी फियरनसाइड के कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। उसने ग्रिफिन के ग्लव और पतलून में दांत गढ़ा दिए। फिर फियरनसाइड ने उसे काबू में किया और ग्रिफिन जल्दी से सराय के अंदर भागा। मिस्टर हॉल उसका हाल पूछने उसके पीछे पीछे गए और बिना उससे पूछे उसके कमरे में दाखिल हो गए। रूम में मध्यम रोशनी थी। हॉल को अपनी तरफ कुछ आता हुआ दिखाई दिया, एक बिना हाथ का पंजा शायद। उसे कुछ ठीक से समझ नहीं आया और उसी पल जोर से उसकी छाती पर चोट हुई।
उसे पीछे धकेला गया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। मिस्टर हॉल को हल्की सी बेहोशी छा गई। फिर वो सोचने लगा कि ये क्या देखा उसने अभी अभी। कुछ मिनटों बाद इसी वाकये के बारे में सोचते हुए वो वापस भीड़ में शामिल हो जाता है बिना किसी को भी कुछ बताए। ग्रिफिन फिर से आता है। वो अपने ग्लव्स और पतलून बदल चुका था। फियरनसाइड अपने कुत्ते के किए के लिए उससे माफी मांगता है, पर ग्रिफिन उसे आश्वस्त करता है कि उसे कोई चोट नहीं आई है। पहला बक्सा पार्लर पहुंचते ही ग्रिफिन उसे खोलने बैठ जाता है। सारी घास फूस मिसेस हॉल के कारपेट पर बिखेर देता है वो। उसमें से छोटी छोटी बोतलें निकलने लगती हैं, अलग अलग आकार और प्रकार की। उनमें कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ था, कुछ लेबल भी चिपके हुए थे। इतनी सारी बोतलें थी कि उसकी आधी भी ब्रैम्बलहर्स्ट के केमिस्ट की दुकान पर न होंगी। हर क्रेट में से बोतलें निकल रही थी। ग्रिफिन अपने काम में इतना खो गया था कि उसे होश ही ना रहा कि आग बुझ चुकी थी और पैकिंग के घास फूस सब तरफ बिखरी पड़ी थी जब मिसेस हॉल अंदर आई। उसे पता ही नहीं चला कि मिसेस हॉल डिनर लेकर आई है। उसे पता तब चला जब पुआल को अपने हाथों से सरकाकर मिसेस हॉल ने ट्रे को टेबल पर रखा। ग्रिफिन ने मुड़कर देखा पर हाथों हाथ पलट गया। मिसेस हॉल ने देखा कि उसने अपना चश्मा हटाया हुआ था और उसके आंखों के गड्ढे आश्चर्यजनक रूप से खाली दिख रहे थे। ग्रिफिन ने अपना चश्मा पहनकर फिर से मिसेस हॉल की तरफ देखा। वो फर्श पर पड़े बिखेरे की शिकायत करने ही वाली थी कि ग्रिफिन ने ये भापते हुए चिढ़कर कहा कि आपको नॉक करके अंदर आना चाहिए था। इस पर मिसेस हॉल बोली कि उन्होंने नॉक किया था, शायद ग्रिफिन को सुनाई नहीं दिया था। ग्रिफिन बोला कि वो अपने काम में खोया हुआ था, तो मिसेस हॉल ने उसे कहा कि अगर उसको इतनी ही प्राइवेसी चाहिए तो वो अंदर से दरवाजा बंद कर सकता है। फिर मिसेस हॉल ने जब बिखेरे पर आपत्ति जाहिर करनी चाही तो ग्रिफिन ने सफाई वगैरह का खर्चा अपने बिल में जोड़ लेने को कहा। बाकी के दोपहर ग्रिफिन दरवाजा बंद करके ही अपना काम करता है। ज्यादातर समय तो वो शांत ही था। बस एक बार जोर से आवाज आई थी जैसे कोई टेबल पर चोट हुई हो, जिससे कि कोई बोतल गिरकर टूट गई हो। फिर तेज तेज चलने की आवाजें आने लगी। मिसेस हॉल आवाज से चौंक कर कमरे के बाहर आई, पर उसने खटखटाया नहीं। अंदर से ग्रिफिन की खुद से बातें करने की आवाजें आ रही थी। वो कह रहा था, ऐसे नहीं चलेगा, और जैसे उसके साथ कोई धोखा हुआ है। मिसेस हॉल वहां से चली जाती है। जब वो शाम को चाय लेकर आती है तो कोने में पड़ा हुआ टूटा कांच देखती है और शिकायत करती है। ग्रिफिन उसे कहता है कि बिल में जोड़ ले और उसे परेशान ना करे, कोई भी नुकसान हो वो उसकी भरपाई कर देगा। फिर वो अपनी एक्सरसाइज बुक में एक लिस्ट पर टिक लगाने लग गया। बाद में वही के एक बियर शॉप में फियरनसाइड और हेनफ्रे मिलते हैं और उस अजनबी की बात निकलती है। फियरनसाइड कहता है कि वो अजनबी जिसे उसके कुत्ते ने काटा था वो असल में काला है, कम से कम उसके पैर तो काले हैं। वो कहता है कि उसने उसके फटे पतलून और ग्लव के अंदर झांका था, वो पूरा काला था, उसके हैट जितना काला। इस पर टेडी हेनफ्रे बोला कि ये तो बिल्कुल रमी का केस है, फिर उसकी नाक इतनी गुलाबी कैसे है। इस पर फियरनसाइड बोला कि मुझे लगता है कि ये आदमी धब्बेदार है, कहीं से सफेद कहीं से काला, और इसी वजह से ये शर्मिंदा है अपने पर। वो शायद हाफ ब्रीड है, पर उसका रंग एक जैसा नहीं आकर पैचेस में आया है, जैसा घोड़ों में होता है। और चैप्टर खत्म हुआ। इसी के साथ सीरीज का पहला वीडियो खत्म होता है। इसमें मैंने नॉवल के पहले 3 चैप्टर्स कवर किए हैं। आने वाले वीडियोस में मैं इसके बाकी चैप्टर्स भी इसी तरह कवर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरी बाकी वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्द मिलते हैं। टिल देन कीप स्प्रेडिंग द जॉय ऑफ रीडिंग। बाय बाय।